संविधान सर्वसम्मत भिखी थे सर्वसम्मत भलेखीय मात्र होना दस पर्सेंट विपक्ष में थिए अथवा पंद्रह पर्सेंट विपक्ष में तू महत्वपूर्ण कुरा होना महत्वपूर्ण कुरा के होने एवटी व्यक्ति संविधानस असहमति जनाये वहीं तू व्यक्ति प्रजातांत्रिक परंपरा को नजर में अत्यंत तो महत्वपूर्ण हो अलबर्ट आइंसटिन ने बना रिटिविटी के थ्योरी का खिलाफ में हिटलर ने अपना वैज्ञानिक बोला सौ वा पुस्तक लेखन लगा अरे आइंस्टिन मुसुक्क हाँसर भरे म गलती भे तवटे पुस्तकाल्थ्यू सकिन चाहिए थी सत्य को आवाज बलि तेस का पक्ष में पांचजना भाई हूँ दसजा भाईपी होदेश हस्तक्षेप करो हस्तक्षेप करो हस्तक्षेप करो एक हजार पटक भर्ती एक पटक भन्ने बित मूलुक झुर्क उठ तथ्य हमें ध्यान में राख्यौने संविधान को, को कारमामी का महीना सुखद होने प्रारंभ में संस्थापक को नेता को प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति को ठूल दायित्व हो प्रथम चरण सिद्धि उ दायित्व घटते जान यहाँ आज ठूल दायित्व छूल दायित्व छूल दायित्व संयुक्त राज्य अमेरिका में संयुक्त राज्य को संविधान लेखन पशी लामो समयसम तैं का संस्थापक पिता फाउंडर फादर्शन अलग अलग दृष्टिकोण इसमें राखे राज्य बड़ी अधिकार दिने कि अधिकार दिने किन्द्र अतिर दर्टी फुटे थे टॉमस जेफरसन स्थानीय सत्ता का पक्ष में थे अलेक्जेंड्र हेमिल्टन केन्द्रीय सत्ता का पक्ष में थे मे भाँचु सब तर धैर्य चाहिए संविधान प्रति को प्रतिबद्धता हमें बुझेन भारत का जवाहरलाल नेहरू इंदिरा गांधी को उदाहरण बन इंदिरा गांधी ने उन्नीस सौ पचहत्तर में भारतीय संविधान निलंबित कर नागाजुन ने कविता लेखे क्या हुआ क्या हुआ जी आपको गांधी को भूल गई भूल गए बाप को जवाहरलाल नेहरू जवाहरलाल ने संविधान को गरिमा पालन करना आपना विपक्ष सर्वाधिक बड़ी आदर दिया विपक्ष लोलाएर सदन में भाषण लगाया थे उनका सब ठूला विरोधी राजगोपालचार्य कुछ मुख्यमंत्री संकेत संगकेत आक्षेप करा उनका प्रताड़ना कर चिट्ठी पढ़ना सकून विपक्ष आज कमजोर छचंड बहुमत लीर ओली सत्ता सत्तारूढ़ हो भारत के उदाहरण सारे कुछ देखा यह भादा ठूल बहुमत कुछ समय राजीव गांधीसो तीन वर्षभंदा बड़ी टिकेन यहां ठूल बहुमत इंदिरा गांधीसंग चार वर्ष भी पूरा करेन संविधान भंग कर संसदीय बहुमत को भर हो तो दिल्ली को इतिहास आप पार्टी को इतिहास बुझ्न मुख्य भर हूं तजातांत्रिक मूल्य और मान्यता प्रति प्रतिबद्ध उर्दू में एटा उखानी कथन छनाई कि लुकमे के फरक से खुदा जुदा हो जाता है उर्दू भाषा लेखता के हो माथि यसो चन्द्रबिन्दु हाल्नुभयो भने त्यही शब्दको अर्थ खुदा लाग्छ चन्द्रबिन्दु हटाइदिनुभयो भने त्यही शब्दको अर्थ जुदा लाग्छ एउटाको अर्थ गड एउटा सेपरेट म सरकारलाई भन्न चाहन्छु एउटा शब्द फेरिदिने हो भने मलाई बजेट पूर्ण त स्वीकार छ एउटा शब्द खुदालाई जुदा बनाउने शब्द त्यो के हो भने आधुनिक सभ्यताको मानक सुविधायुक्त सहर हो त काठमाडौँलाई सहरको सट्टा कहर बनाएर पनि चित्त बुझेन कहर भन्छन् उदुमा बर्बादीलाई सुन्नुहोस् मैले भन्नु खोजेको कुरा यसलाई तपाईँ ठाटले लेख्न सक्नुहुन्छ आधुनिक सभ्यताको मानक नै सुविधायुक्त गाउँ बनाएर गाउँलाई सुविधायुक्त बनाउन सकिँदैन र गाउँलाई सुविधायुक्त बनाउनु आजको नेपालको चुनौती हो कि होइन एउटा शब्द छ सानो शब्द छ पियुआरए पियुआरए भनेको पनि प्रोभाइडिङ अर्बन एम्युनिटिज टु रुरल एरियाज नोट गर्नुहोस् प्रोभाइडिङ अर्बन एम्युनिटिज टु रुरल एरियाज एउटा पागल जस्तो मान्छे थिए लुगा फाटोमा त्यस्तै थियो अब्दुल कलाम आजाद जो अब्दुल कलाम के अमेरिका राष्ट्रपति भर आज गलती ना अब्दुल कलाम भारत का राष्ट्रपति शब्द बनाया थे शब्द लाई क्वायन करिए तेसरो विश्व लाइक पूरा प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज टू रुरल एरिया ये शब्द शहर गाँव गो मेरे बिन्ती प्रार्थना सारा बजट को रूपरेखा स्वरूप दिशा बदलि बिएमा तपाईँले परराष्ट्रनीतिका बारेमा किताब पढ्नुभयो भने एमएमा पढ्नुभयो भने हान्स मार्गेन्थुले लेखेको पोलिटिक्स एमङ नेसन्स भन्ने पुस्तक पाइन्छ परीक्षामा पाठ गर्ने क्रममा पनि पढ्नुभयो भने त्यसले एक दुई तिन चार पाँच कुटनीतिक सिद्धान्त गराउँछ आफ्ना कुनै पनि राष्ट्रले आफ्ना कानुनी अधिकारलाई वास्तविक शक्ति सम्झिनु हुँदैन सिद्धान्त नम्बर एक दोहोऱ्याएर सुन्नुहोला कुनै पनि राष्ट्र ने अपना का वास्तविक शक्ति समझ सब को एक भोट तो भारत का अड़ी राजा के आगे बहु को दुवाई हो दोसों भाषण कर बोलता कालापानी दोहरिया चुनाव में बड़ो ठीक होी लिन्न पर्यानी कूटनीतिक अभ्यास करनीस सौ पचास संधि फर्काउंपर सच्या बोले हो बलभद्र थापा र अमरसिंह थापाले बन्दुक बोकेर लगेको समय छैन आज कुटनीतिक क्षेत्रमा जुन डिजिटल चेन्ज आएको छ जुन एउटा अभूतपूर्व क्रान्ति भएको छ त्यसको उपयोग हामीले गर्न जानेका छौँ उहाँलाई सोध्दैछु आजको सबभन्दा ठुलो माग छ कनेक्टिभिटी त हामीले बुझेका छौँ लफाजी गरेर हुन्छ नेपाल एउटा सानो देश छ भूगोलका हिसाब सानो छैन त्यता नजानु होला भारत र चिनका छेउमा परेर हामी सानो देखिन्छौँ विश्वका राष्ट्रहरूका तुलनामा आफूलाई हेर्नुको हामी मनक्कै ठुलो पनि छौँ गरिब छौँ तर हामी दरिद्र छैनौँ मानसिकता मात्रै गरिब छ हामीसँग अक्षय र अद्भुत र अमूल्य प्राकृतिक स्रोतहरू हाम्रा नदी नारादेखि पर्वतराज हिमालयसम्मका जुन निज संसाधन छन् हामीले च्याउने पनि भएको छैनौँ हामीलाई त विदेशी डलरको मात्रै भोग छ खोजी छ जबसम्म मुलुकका सरोकारवालाहरू मुलुकका सबै दलहरू साझा विदेश नीतिका प्रति प्रतिबद्ध हुँदैनन् हामीहरूमध्ये प्रत्येकले एकअर्कालाई तल देखाएर उचा देखाएर मुखको तितो मात्रै पोख्छौँ अहिले यस खास सन्धिका बारे म टिप्पणी गर्न चाहन्न हामी आत्मनिर्भर बन्दाखेरि हामी विदेशी सहायता बिना पनि बन्न सक्छौँ हामीले हाम्रा देशका संसाधनलाई माल पाएर चाल्न पाएको शैलीमा अगाडि बढाइरहेको छौँ कोही अप्बाद छैन कुनै मन्त्री अप्बाद छैनन् कुनै प्रधानमन्त्री अप्बाद छैनन् उनीहरूले आफ्नो आत्माभित्र चियाएका छन् मुलुकभित्र हेरेका छैनन् बाहिर 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 मात्र हेरेका छन् लिने कुरोमा पनि दिने कुरोमा पनि लामो समयदेखि बारम्बार विभिन्न मान्छेमा भनिराखेको छु पहिले हामी साझा दृष्टिकोण बनाऊ भारतका प्रति चिनका प्रति अमेरिकाको प्रति अनि कुन सन्धि खारेज गर्ने कुन नगर्ने कुन राख्ने नराख्ने गरौँला यो राष्ट्रिय नीतिको प्रश्न उठे इक्कीसों शताब्दी आईस बीसों शताब्दी में फेल भैया सोवियत यूनियन को विघटन पची एक अर्ग पूर्व यूरोप में ढल गए ती अनुभूति राजनैतिक स्तर में बुझे अर देश को नाम बिद ठीक नोला न चीन को तो चकाचौत नहीं सक्कली हो पांच दस वर्ष में हम रहलास को नक्कलीपना किस नहीं था जिस सोवियत यूनियन कराया दूर भाई पाओ न नर्थ कोरिया का ती बघुसानुगत साम्यवाद वास्तविक साम्यवाद हूं आम नया एक बल विश्व शताब्दी को इतिहास हें विश्व शताब्दी में तथा कथित बेलायत में जन्म संचय व्यवस्था भी नांगी को जनवाद बहुलवाद बहुत जनवाद बहुत अपमत हो इधर न सिकी इला सम्मान नगरी इधर नबुझी हमारी बढ़ सकते तो सम्मान को नाम मा में मात्र पुराना गीत गाएर पुराना तन्त्र गाएर पुराना शास्त्र भट्ट्याएर र शास्त्रका किम्मतमा लोकलाई बुझ्न हामीले छोड्यौँ भने इतिहासमा हाम्रो नाम मात्र रहन्छ बिपीले एसिया समाजवादी सम्मेलनमा दुई चारवटा कुरा भन्नुभएको थियो त्यो सम्झना गरेर उठेको छु कुनै पनि विकास कुनै पनि समाजवाद कुनै पनि साम्यवाद मनुष्यलाई केन्द्रमा राखेर गर्नुपर्छ मनुष्य, मनुष्य साध्य हो मनुष्य साधन होना के विस हो दुई चार मरे मरुन् दुई चार महिला बलात्कृत भाई बल्त्न्न पाइदन प्रत्येक मनुष्य साध्य हो तू बीपी को मान्यता छु बीपी ने भन्न भाई थी गाँव में एटा गाई हो पचास वर्ष में कह कगी सको अब गाँव को क्या रहे तर तो मुख्य कुरो के भन्न खोजेक गाँव में रहे बेरोजगारी बेरोजगारी मत मतलब हुई अर्ध बेरोजगारी अर्ध बेरोजगारी मात्र हो गुप्त बेरोजगारी ये तीनटाला संबोधन करूस ये वृद्धर का नाव में ठूल थुल ठूला हवाई जहाज ठूल थुल ठूला एयरपोर्ट बीपी का शब्द हु मेरा शब्द होनन् ठूलठूला थुल मोनोरल ठूलठूला थुल थुल जहाज का कुरा कर जनता भ्रमित नबना उत्पादन उत बिना वितरण होते एकदम सही कुरो बीपीन भेटिश उत्पादन बिना वितरण होते क्या उत्पादन अन्न में पर निर्भर दूध में अपर निर्भर फल फूल में पर निर्भर कपड़ा में पर निर्भर रूँ का श्रमिक बेकार का पैसा ली खाएर बाचि रख आर्थिक नीति को वैकल्पिक बाटो बीपी को रचना में विनम्रतापूर्वक भन्न चाहूँ विशेष बीपी कोरला देखा वैकल्पिक को, बाटो का तर्फ इस सोचोस् सर्वप्रथम मूलक में रोजगार कायम सुशासन कायम करोस् मूल ऐसी मूलुक अनाहक ऋण को बोझ में पारे अनाहक सपना देखा सिपुर सुर्जान सपना देखा हो बनाने संगक में मूलुक लजाओस् बीपी को विचार को अध्ययन करने बीपी मत हो मनमोहन को करूँ पुष्पलाल को करूँ सा नेसरोटो देखऊ यह पूंजीवाद को बाटो भी चलते अनुकरण हिड़का साम्यवादी बाटो भी चलते सोभियत रुस चिन अमेरिका भारतको विकासको रङमङ्गमा हामी नरङममङ्स त्यसतर्फ ध्यान दिउँ बाटो लामो छ तर जस्तै लामो बाटो पनि पहिलो डेकबाट हिँड्छ जस्तै लामो यात्रा पनि एक हजार कोषको यात्रा पनि एक हजार लीको यात्रा पनि कोषभन्दा ठाम लामो लि हुँदो रहेछ त्यो चाइनिजमा त ली, ली भन्दा रहेछन् थाउजन्ड माइल्स लिको यात्रा पनि एक स्टेपबाट सुरु हुन्छ भनेर कुनै जमानामा लाओज्यूले भनेर छन् त हो एक कदमबाट थाल्नुपर्छ एक कदम पर्याप्त छ दिनको एक कदम तर कदम कता चालिँदैछ चा। पूर्वतिर कि पश्चिमतिर समाजवा समाजवादो उन्मुख कि दलालोवाद उन्मुख त्यो बडा प्रश्न छ अक्सर राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले के गर्छन् भने आफ्नो चाहनालाई जनताको चाहना भने बुझ्छन् आफ्नो चाहनालाई जनताको चाहना, जनता चाहना भनेर बुझ्न थालेपछि बडा मुस्किल हुन्छ अत्यन्त नै मुस्किल हुन्छ पानी जहाज मुलुकलाई चाहिएको छ चा। नचाहिएको होइन तर एउटा भएको हवाई जहाजको पनि बिजोग छ चलिराखेको त्यो बिजोग गर्ने यसरी अलिअलि ह्याम्बल लिन्छौँ धमिजा काण्ड लौडा काण्ड वाइट बडी काण्ड अरे बाबा दसवटा जहाजको प्रतिस्पर्धामा हाम्रो नेपाल एयरलाइन्स त चलिदियोस् नेपाल एयरलाइन्सलाई पहिले चलाउन बिस पच्चिसवटा जहाज चलाउँ त्यसपछि रेल बनाउँ त्यसपछि पानी जहाज पनि चलाउँला नचलाउने कुरै छैन एउटा क्रमिकता बनाऊ होइन भने जनताको चाहनाको बारेमा त्यसलाई मार्क्सवादी बारे शैलीमा मनोगत पाराले बात नगरौँ वस्तुगत पाराले बात गरौँ म थाहा छ यो लो, लोकतान्त्रिक वक्तव्य होइन तर म चुनौती दिन चाहन्छु संस्थाबाट छोडिदिनुहोस् जन्मसङ्ग्रह गर्ने कुर कुरा हवाई कुरा हुन्छ यो संसदमा मात्रै हुनु नहुने गरी गोप्य ढङ्गबाट थाहा होस् त पानी जहाजको प्रस्ताव कति मान्ने छ हेरौँ त म त्यसैले हे प्रधानमन्त्री महोदय हे राष्ट्रपति महोदय जनताको चाहना हजुरको चाहना हो, हो हजुर मेरो पूर्ण समर्थन छ तर अलिक ढिलो गरौँ पृक्षारोपण छिटै गरौँ विश्व शताब्दीको एउटा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण घटनाका तर्फ पहिले म उल्लेख गर्न चाहन्छु संगीत करना चाहिए सोवियत यूनियन को विघटन उन्नीस सौ नवासी में नाइन्टीन एटी नाइन में सोवियत यूनियन को विघटन का जो ऐतिहासिक सबकिन हम समयिक सिद्धांत सिद्धांत बोधले अजी भी तो आत्मसात करना सकते येत्रो शक्तिशाली देश सारा क्षेप्यास्त्र बम पिस्तौल लयस विश्व को दुई महाशक्ति मध्य एक शक्ति एक एक शक्ति तीन सजी पति सजी धराशायी होने कोईपा राजनीति विज्ञान के कुछ भविष्य वक्ता ने कुछ अर्थशास्त्र के एक वर्ष अगिसम कल्पना कर सकते थे इसका तीनटा सन्देश हम सिद्धांत को हम सिद्धांत शास्त्र को के कस्त कमी कमजोरी रहे क यूरोप रमेरिका का बड़ा बड़ा विद्वान दिन रात रूस को अध्ययन में समय खर्च करीराने विभिन्न विश्वविद्यालय का डाक्टर पीएचडी डी सबले तीत ती अनुमान लगन सकेन तो विवाह आज भी जारीवाद कोमुख सामज में जाने देश के पार्टी नेता सोच् पर्चा बारे में कुरा मोटामोटी तीनवटा मान्यता तीन अगाड़ी आया जो कभी निर्विवादा मान्यता के सुविधा शक्ति में कम थे कलकारखाना में कम थे उत्पादकता में कम थे बम वर्ष पनि थिए क्षेप्यास्त्र पनि थिए अनुभम पनि थियो तर त्यहाँ मानव अधिकार थिएन लेख्ने बोल्ने आजादी नभएपछि सत्तावर्गलाई जनमत के छ थाहा हुँदो रहन्छ जनमत थाहा नरहेको हुँदा ती जनमत एकपटक सडकमा उत्रना साथ धिमका हतियारहरू ट्याङ्कहरू महाट्याङ्कहरू समाप्त भए एउटा निष्कर्ष आज सबैले स्वीकार गरेका छन् स्वमितुनमा नागरिक अधिकारको प्रतिष्ठा भएको भए रुसी कम्युनिस्ट पार्टीको यो दुर्दशा हुने थिएन तब तो सोवियत यूनियन समाजवाद उन्मुख समाज का बारे में आवश्यक होना सोवियत यूनियन को पतन को निर्विवाद निष्कर्ष हो नागरिक अधिकार मात्र मे समज में भग भ्रेजने पबलाई गौरवचोपलाई आपको अवस्था था होने दोसो भोवियत यूनियन को वििकस को तो मोडल जो विस को मोडल को अलग वरण अलग बाध्यता अलग चोइस अलग नेसेसिटी के थी संयुक्त राज्य अमेरिका सब प्रतिस्पर्धा कर मानी पठाओ रूस ने पठान पर्ने उससे एवटा बम बनायो रूस बना। ने थुल दुईट तो बना पर्ने जनता को अवस्था हेन फुर्सत ना खास मॉडल थियो के मॉडल थी ठूलठूला कारखाना युद्ध का शस्त्र को मॉडल तो मॉडल का कारण शोबित ध्वस्त अब भावाल मॉडल बनाने पड़े सोवियत क्यून पर सीखो मूलुक सुहद मोडल हमी बनाएन हमारा भी दिगो हो तर दुर्भाग्य के हो सोविय मॉडल पर शिक्षा लिखने को सट्टा सोवियत मोड व्यवस्था सिद्धि को भोलिपल्ट किताब लेखन थालियो विचार को युग सिद्धि इतिहास को युग सिद्धि हो सभ्यता को युग सिद्धि अब संसार में एवटेल विचारधारा छदारवाद अर्थात पूंजीवाद अब तो उदारवाद और पूंजीवाद को दुमदूरी बजे को ठैक्क तीस वर्ष भैया सुबी चुन को विवेक विघटन भर तीस वर्ष भैया तीस वर्ष में दुनिया के क्या देखो त मुक्त बजार स्वतंत्र बजार निर्वाध बजार ले आज हमीर कहक राज्य अब एक्टर नहीं मंडलीकरण राज्य छ राज्य का प्रधानमंत्री हो राज्य का गृहमंत्री होगा अर्थमंत्री होगा पोच्परू कि यो सा ये विस को यात्रा में शक्तिशाली संयंत्र होक्टर हो बड़ो विकराल प्रश्न छूमंडलीकरण के अध्यार भले राज्य एटा एक्टर रहनाईदिग सब बजार को सर्वोच्चता संसार में ठूल संगकट लिया मैं तथ्य अखन चाहन्न इस राज्य रीच को आर्थिक समृद्धि को खाडल झनझन व्यापक कराने व्यक्ति रि बीच को संपन्नता को खाल्डो झनझन चाकड़ छ उत्तम खेती मध्यम मध्यमान अधम चाकरी नीच निदान खेती आमदानी को स्रोत मानक प्रचार प्रसार कर सफल हो वृद्धिदरवादी अर्थशास्त्रीले तपाईँलाई पराजित गर्छन् तर शास्त्रमा भनिएको थियो यदि पैसा कमाउनु छ भने व्यापार गर व्यापारे बसते लक्ष्मी होइन शान्तिपूर्वक जीवन बिताउनु छ भने कृषि गर कल्पना गर्नु सानो खुसी खुसी किसानको र त्यसलाई तपाईँले कसरी अनुदान दिनुहुन्छ त्यसको घाटाको व्यापारलाई कसरी दूर गर्नुहुन्छ जसले उखु व्यस्त पनि ठगिन्छ चिनी किंदा ठगिं मैं ठगि भब्द को प्रयोग करें टैक्स तीर् शब्द को प्रयोग कर सत्य के होखू व्यस्ता भी उसे टैक्स तीर राख्परिक हो रूप में पानी का रूप में खाद का रूप में खाद में टैक्स लगाइए अर्को तेरह उसे चीनी किंदा कति टैक्स लगन पर्च अंत लगाए लगाया तब ठहसिल कृषक का प्रति आज अत्यधिक ज्यादा सहानुभूति को आवश्यकता विश्वको इतिहासमा सबभन्दा लोकप्रिय रहेको सबभन्दा चिरञ्जीवी रहेको अमेरिकन संविधान सबभन्दा सानो र चुस्त रहेको अमेरिकन संविधानमा त्यो संविधानका मसौदा कार्य लेखेँ या मलाई चित्त नबुझेको कुरा धेरै छ तर मेरो चित्त वर्षौनी बदलिरहेको छ कुनै समय राजतन्त्रको सपोर्टर थिएँ आज राजतन्त्रको विरोधी छु त्यो बेलायती राजतन्त्रको कुरा हुँदैछ भोलि मेरो पनि विचार बदलिएर त्यस द पास चाहिँ आज म सहमतिका आधारमा गर्छु राज्य र अधिकारको अधिकारको कुरा राष्ट्रपतिको सापेक्ष अधिकारको कुरामा इस संविधान में लिखिया कुरा मसान का सबभा प्रमुख मसुदागार बेंजामिन फ्रैंकली बोले पीछे बेंजामिन फ्रेक को प्रांत सही माने पेल्ला प्रश्न जवाब दिस्वान बचाएर इसमें टेके अड़ी बढ़ने हो अथवा इस दुई हजार सैंतालीस साल को जस्ते बिजोग करने हो अथवा चुच्चे नक्शा को जस्ते बिजोग में ले जाने हो बिजोग भ कु समय वर्तमान प्रधानमंत्री ओली रदीप गिरी संसद को ये मंच बड़ा एक सुर भार महाकाली सन्दी का पक्ष में बोलेगाधव नेपाल सीपी मैनारजी को नेतृत्व में महाकाली को सीमाकन ठीकली छुप सवाल में तत्कालीन नेकता टूटो ते बेला प्रधानमंत्री ओली मायद गलती थे त्यो कुरा प्रधानमन्त्रीले स्वीकार गर्नुपर्छ एकपल्ट एक दोस्रो कुरो यो कुटनैतिक प्रश्न हो कुटनैतिक प्रश्न हो कुटनैतिक प्रश्न हो भनेर भनेर था सरकार थाकेको छैन ना। कुटनैतिक प्रश्न भनेको के हो पर्याप्त गृह कार्य नगरेको कुटनैतिक कहिले पनि ठेकान पुग्दैन जमिन हाम्रो भन्ने बहस गर्न पर्दैन तेरियामा तेरो भनेर प्रश्न गरे जस्तै हो जननी जनभुमिष स्वर्गादपी गरिएसी भन्ने मुलुकमा हामी आएका हौँ माटो पक्रेर निर्णय गर्नु भने बिपी कोरला ऊ पार्टीका हामी सदस्य हौँ सोध्नु के पर्यो भने तर तँ जमिन अब हासिल कसरी गर्ने प्रधानमन्त्री नेपालका उखा टुकानका मारथी हुनुहुन्छ एउटा उखान उहाँलाई याद रहिन्छ स्यालको सिकार गर्न जाँदा बाघको तयारी गर्नुपर्छ यति सजिलो छ कुनै क्रिया छैन अरू त अरू प्रतिपक्षका नेता संस्था लागेर सक्नुभएको छैन संशोधन मागिरहेका मधेसका नेता संस्था कुराहरू सक्नुभएको छैन अनि उहाँले दिल्लीसँग कुराहरू भ्याउनुभयो होला पेकिङसँग कुराहरू भ्याउनुभयो होला यो बिना गृह नीति बिना गृह कार्य कदाचित आफ्नो पार्टीसमेत र विश्वासमा नलिकन गरिएको एउटा कार्य हो तर हामी समर्थनमा छौँ हामीले समर्थन, समर्थन गरेका छौँ किनभने हामी नेपाल आमाको सन्तान हौ अब कस्तो वातावरण छ के भइराख भएको छ कति पीडा साथ साथीहरू बोल्दैछ भएको छ एउटा कुरा भन्छु मेरो शुभकामना छ वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई आफ्ना पाला में हमी गलती सच्या तबक कार्यकाल में सच्या म तो साल रघ को उदाहरण दि लज्जित छु प्रतीकात्मक अर्थ हो आवश्यक कूटनीति गपुलिस सब्जेक्ट न बनाकर सांच ना को भूभागला भोग लगाकर आप नाम इतिहास में अमर कर दलित जनजाति मधेश यहाँ को बेरोजगारी का ऊपर बोलिए विजय प्राप्त करूं भी विदेश नी नीति गृह नीति को सफलता का आधार में मफल हो सरकार कमजोर भग तब का मध्यम खबर सुना चाहिए